हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती पर बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप इसको किसी भी प्लेन या फिर प्रिंटेड कुर्ती पर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बनाने वाले हैं हम इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इसके लिए मैंने कुर्ती की कटिंग पहले से ही कर ली है। तो कुर्ती को मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये कुर्ती की सीधी वाली साइड है। तो सबसे पहले हम कुर्ती के बिल्कुल सेंटर पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इसको आप खोल लीजिए और इसके सेंटर पर एक सीधी लाइन बना लीजिए। आप सेंटर से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और एक एक इंच की दूरी पर दोनों साइड की तरफ हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और लंबाई में देखिए, हम करीब 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी आपको एक एक इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगाने हैं। अब इस निशान को हमें मिलाना है। एक निशान हमने लगा लिया है। अब दोबारा से यहां से हम 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे पूरे में। नीचे की साइड की तरफ से भी हम 1 ही इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और इस निशान को देखिए इस तरीके से आपको सीधा करना है। और ऐसे ही हम यहां पर 3 से 4 लाइनें बना लेंगे। करीब हमने 5 लाइनें इस तरीके से बॉक्स की शेप में बना लिए हैं। अब ये देखिए, हमने ये सिंपल पतली सी लेस ले ली है। ये नॉर्मली आपको किसी भी धागे वाली शॉप पे मिल जाएगी या फिर हमें घर में भी जो लोग सिलाई करते हैं उनके यहाँ पड़ी रहती है। तो इस तरीके की बहुत ही पतली लेस मैंने ले ली है। अब देखिए, ये सेंटर वाली लाइन छोड़ देंगे और ये जो इसके साइड वाली लाइन है इसके ऊपर रखेंगे और पूरे में हमें साइड साइड में सिलाई लगाते हुए इन्हीं लाइन्स के ऊपर इसको लेस को स्टिच करना है। इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा। और मैंने ऑलरेडी ऐसा ही एक डिज़ाइन और बनाया हुआ है अपने एक प्रिंटेड सूट में, तो उसकी फ़ोटो मैं आपको साइड में दिखा दूंगी कि ये बनने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और पूरी जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। लेस की एक किनारी से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा घूमने वाला एरिया है, ये देखें, इस तरफ आसानी से लेस हमारी घूम जाएगी क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल लेस है। तो एक साइड की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब लेस की दूसरी साइड की तरफ भी हम सिलाई लगाते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही सारी लाइन्स पर हमें स्टिच करना है। को लगा दिया है और बिल्कुल इवनली हमारी पूरी लेस लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। सबसे पहले हम उसकी बुकरम पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये बुकरम ले लिया है। इसको आप बुकरम को बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए।
सबसे पहले हम गले की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। तो बोट्स नेक की जो चौड़ाई होती है वो हमारे नॉर्मल गलों से बड़ी होती है। नॉर्मल जो जब हम कटिंग करते हैं तो 2.5 इंच या फिर 2.75 इंच पर, 3 इंच भी काफ़ी लोग कर लेते हैं, 2.5 या 3 इंच ले लेते हैं। तो इसको आप जब भी आप बोट नेक कटिंग करें तो 3.25 या फिर 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखिए नेक की। तो यहाँ पर मैं करीब 3.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरीके से नेक की चौड़ाई का ये हमने निशान लगा लिया। तो देखिए जो बोट नेक होते हैं वो कभी भी ज़्यादा गहरे यानी कि ज़्यादा लंबाई के नहीं होते, हमेशा छोटे ही होते हैं हमारे बोट नेक। तो यहाँ पर मैं जो लंबाई ले रही हूँ बोट नेक की, 4 इंच की हम लंबाई लेंगे यहाँ पर, और नीचे की साइड से भी 3.25 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये बॉक्स हमने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर सिंपली जैसे हम राउंड नेक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बोट नेक के लिए भी ड्रॉ करना है। बट जब हम गोल गला बनाते हैं, राउंड नेक बनाते हैं, तो यहाँ से हम कम गहराई लेते हैं। ये देखें, ये जो हमारी गहराई होती है ये हम कम लेते हैं बिल्कुल यहाँ से, मिलाते हुए इसको हम राउंड नेक बनाते हैं। बट जब भी आप बोट नेक बनाएं तो यहाँ से हमें गहराई इसकी ज़्यादा लेनी है। यहाँ से हम इतना नहीं, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि यहाँ तक इसकी गहराई लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से राउंड करेंगे, ये देखें। तो बोट नेक के लिए जब भी आप ये वाली गहराई लें तो हमेशा इसको आपको ज़्यादा रखते हुए लेना है। अब देखिए बोट नेक हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर करीब 1.25 इंच पर इस तरीके से इसी गोलाई में निशान लगाएंगे और पूरे पर इसी गोलाई में निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की हम। ये देखिए हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब इस नेक को हम सिंपली कपड़े पर रख कर लगाएंगे और अभी देखिए बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये जो हमारा बुकरम है वो कपड़े के साथ अटैच हो जाए। अब बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े की, जो हमारे साइड साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से करीब 1/2 इंच जो हमने कपड़ा छोड़ा है इसको बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को देखिए हमने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम कुर्ती पर लगाएंगे। कुर्ती का जो सीधा वाला साइड है उस तरफ आपको नेक को इस तरीके से रखना है बिल्कुल मिलाते हुए। अब यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने नेक भी बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और नेक बनाने के बाद ये हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर हमें कुछ खाली स्पेस लग रहा है तो यहाँ पर हम सिंपली ये कपड़े से बने हुए बटन्स लगा देंगे। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लटकन्स भी लगा सकते हैं, आजकल लटकन का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये मैंने इतनी आसान तरीके से बताया है कि अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी और इजीली बन जाता है। आप इसे किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।